हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका सम्राट संगीत में। यस yes. मैं हूँ निक और पौन भैया, और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले एमवी बंटाई के नए गाने पे। क्या है गाने का नाम पौन भैया? बोलना तू बंटाई। तो सुबह से रोक के रखा हूँ, नहीं तो सुना है अभी तक भाई। यार एकदम मॉर्निंग में भैया जी यहाँ काम कर रहे हैं, इनके दूसरे चैनल पे शॉर्ट्स बना रहे थे ना, तो उस पे ये एडिटिंग कर रहे थे। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन बाद एमवी बंटा का गाना सुनने जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। तो तुम लोग पहले महीने का पहला गाना, पहला बंटा है, पहले साल का, सॉरी वही पहले साल का, पहले महीने का पहला गाना। और तुम लोगों देखो, अगर तुम लोगों को अच्छा लगा रहेगा वीडियो, अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्ड किया भाई, रिकॉर्ड किया मुझे ऐसा लग रहा है। क्या बोलना? अंदर से बोलता हूँ क्या? कभी अंदर से बोलता हूँ, कभी अंदर से बोलता हूँ, काफी अंदर से बोलता हूँ, जब भी मैं खड़ा सामने माइक के बोले काफी बोलता हूँ, क्या करूँ लेके रखा घर पे तीन चार माइक में, ये बोले काफी बोलता हूँ। ये सही लगा मेरे को, हम लोग को भी लेके रखने तीन चार माइक। फिलहाल दो है अपने पास। अभी वो उसके पास जो है वो मेरे को 80-20-20 लगा। ऐसा भी लग रहा है अपने घर के स्टूडियो में शूट कर लिया मैंने। हाँ हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है, पता नहीं वैसे भी नहीं है। बोला तो बनता है, फर्क पड़े मुझे घंटा है, तलब लगे मुझे गाने बनाने की, तभी तो फैला ये बनता है। मैं तो कभी का बोला था बनता है, मेरे गाने सुनेंगे ये वन टाइम नहीं, 100 बार फिर भी पंक्ते नहीं, कॉल हार्ड मुझे वक्त ही नहीं, क्यों खुद में हार्ड मैं और क्यों है। सही ना, मतलब ऐसा हार्डकोर नहीं था, सिंपल सा था पर प्यारा था। सही था ऐसा, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं एमवी का पहले तो बहुत फैन था, फिर कृष्णा का हो गया, अब ऐसे एमवी मतलब ऐसा लग रहा है हाँ यार कुछ अच्छा कर रहा है भाई, मतलब मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब सब गाने एंजॉय कर पा रहा है, हर साल कुछ ना इंप्रूव करता है, करता है, अलग करता है, मेरे को अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों बस लग रहा है। ये मेलोडी वाला ट्रैक है ना, एक मेलोडी वाला ट्रैक है एमवी बंटा का, हील गाने का ना भाई, वो मैं सुनता था ना, मतलब गाने सुन रहा हूँ ना स्पॉटिफाई पे, और जैसे हील सॉन्ग आया ना भाई, सब छोड़ छाड़ के मैं फोन लेता था और चेंज कर देता था वो गाना। क्यों चेंज करता था पता? वो गाना सुन के मेरे को ऐसा रोने जैसा आ जाता था, इसलिए मैं कभी सुनता ही नहीं था वो गाना, डर लगता था वो गाने से मुझे। और थोड़ा सा रहना चाहिए था यार, बहुत थोड़ा सा ही था, पता नहीं क्यों, मतलब और रहता तो और अच्छा लगता। अरे ठीक है जो भी था इतना, मतलब मैं खुश तो नहीं हूँ, इतने थोड़े से गाने से और चाहिए था मुझे गाना, सीधी सी बात है, पर पूरा गाना एक नंबर था, कहीं भी बोर नहीं हुआ। जब मेलोडी वाला चल रहा था ना तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, और वर्स भी नॉर्मल था, हार्डकोर नहीं, प्यारा सा था, छोटा सा था, सही लगा। ओवरऑल गाना एक नंबर, वीडियो एक नंबर, और बस ड्रेसिंग थोड़ी सी मुझे
वो पैंट एकदम ढीली ढीली चल रहा है, वो कुछ खास पसंद नहीं, बाकी सब सही था एक नंबर। और अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो सम्राट संगीत को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा अपना चैनल है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो बिल्कुल, और हम लोग को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम में, लिंक रहेगा नीचे, और वीडियो ऑफिशियल वीडियो देखनी रहेगी तो उसका भी लिंक रहेगा, जाके देख लेना। चलो बाय बाय, पीस आउट।